अरे पदमा चलो भाई सारा सामान गाड़ी में कब का रखवा दिया बारात निकलने का टाइम हो चुका है पता है ना बारात बलिया जिला जाना है जी जी मैं चेतना को लेके आती हूँ बस यूँ गई यू आई पदमा देवी फौरन अपनी मॉडर्न बेटी चेतना के कमरे में आती है जिसके सामने तरह तरह का फास्ट फूड खाना सजा हुआ था जैसे कि मंचूरियन चाउमीन मोमोज और वो खाए जा रही थी हे भगवान चेतना तू तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई तभी मुंह चलाते हुए चेतना बोलती है हम्म माँ अभी मैं खाने में बिजी हूँ एक तो आपने मोहित भाई की शादी गांव की देसी लड़की से सेट कर दी पता नहीं उन लोगों की शादी में देसी आइटम बनाया भी होगा या नहीं इसलिए मैं अपना पेट भर रही हूँ अब तेरी पेट पूजा हो गई हो तो चल जल्दी से तैयार हो जा <laughs> बस मुझे पांच मिनट दीजिए माता श्री। कुछ देर बाद बारात दिल्ली से गांव के लिए रवाना हो जाती है जहां पूरी रीति रिवाजों से गांव की इमली से मोहित की शादी हो जाती है और इमली मॉडर्न ननद चेतना की भाभी बनकर ससुराल में आती है थकान की वजह से सब अपने कमरों में सोने चले जाते हैं अगली सुबह इमली अंगड़ाई लेते हुए भोर के तीन चार बजे उठकर कर लेते हुए बोलती है उठ जा इमलिया आज ससुराल में पहला दिन है जल्दी से लीपा पोती करके नहा धो लेते हैं कुछ देर में साफ सफाई निपटा कर इमली नहा कर देवता को पर आती है ओम सूर्य नमः नमः ओम ओम सूर्य सूर्य देवताये नमः हो गया पूजा पाठ जैसे ही वो जाने लगती है तो उसकी नजर गमले में लगाए सब्जियों पर जाती है जिसमें ब्रोकली मशरूम लाल पीले शिमला और कुछ और किस्म की सब्जी लगी होती है जिसे वो टुकु टुकुड़ देखकर बोलती है हाय दैया ये कडमकडम गमले में किसने लगाया होगा ये जंगली गोभी ये बैंगनी पत्ता गोभी और ये छाते जैसा क्या है तभी इमली की नजर गमले के लगे छोटे-छोटे टमाटर -छोटे पर अटक जाती है प्यारी दैया ये मैंगो का टिंगू टमाटर तो एकदम कंचा के साइज का है ऐसा करते हैं टमाटर को तोड़ कर ले जाते मस्त देसी स्टाइल आलू बना करेंगे मंद बुद्धि इमली सारे टमाटर तोड़ लेती है और बाकी के गमले में से सारी सब्जी उजाड़ कर नीचे आती है जहाँ सास पदमा बोलती है अरे नई दुल्हन कहाँ थी तू तु? मैंने तुझे ढूंढने में पूरा घर छान मार लिया जी, हम सूर्य देवता को जल देने गए थे वैसे हमको पहली रसोई में क्या बनाना है बता दीजिए अरे रे बहू प्यार से जो भी बनाएगी हम सब खुशी से खा लेंगे तभी सोफे पर पसरी हुई ननद ऑर्डर तो झाड़ कर फुल एटीट्यूड दिखाकर बोलती है देखो मेरी देसी भाभी मैं बहुत ही फूडी हूँ और मूडी हूँ तो मेरे लिए कुछ डिफरेंट सा बनाना तभी टशन में बोलती है अरे तुम तो बस देखते जाओ ना, ना आज हम ऐसा खाना बनाएंगे ऐसा खाना बनाएंगे कि तुम तो जाओगी बहु जल्दी से रसोई में घुस जाती है लेकिन मॉडर्न किचन देखकर उसका सर चकरा जाता है इसकी भाई इसका भला हो ये रसोई है यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा भी नहीं है और मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना नहीं खाया तो क्या खाक मजा आया कुछ लगाना पड़ेगा हिमली दौड़कर छत पर जाती और मिट्टी से चूल्हा बनाकर देसी सादा खाना बनाती है तो वहीं सास ससुर ननद पति खाने के वेट में बैठे थे तभी ससुर अजीत खुशबू सूंघकर खुशी से कहते हैं कितनी मस्त खुशबू आ रही है खाने की अरे भाई मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है हाँ पिताजी खुशबू से तो मुझे भी सबर नहीं हो रहा दाल चावल दम आलू की तरकारी तैयार हो गया एक काम करते हैं। थोड़ा आलू और सत्तू वाली कचौड़ी बना लेते हैं। संग में पापड़ चटनी अचार भी तो है फिर देसी बहु खुशी से गुनगुनाते हुए देसी तरह से आलू कचौड़ी बनाती है आज मोहल्ले में हो जाए हल्ला इमलियां बनाई है पूरी रसगुल्ला सास ससुर ननद खाएंगे उंगली चाट भैया देसी बहुरिया बनाई है पूरी और मिठैया है देसी बहुरिया बनाई है पूरी और मिठैया थोड़ी देर में इमली अपने बनाए हुए देसी खाना सबको परोसती है तो सब खुश होकर खाना स्टार्ट कर देते हैं अरे वाह वाह मेरी देसी बहू तेरे हाथों का स्वाद तो एकदम लाजवाब है क्या स्वाद भरी आली कचौरी बनाई है अरे दिल खुश हो गया खाकर वाह हाँ सचमुच में मिली जब से हम शहर में क्या बसे देसी खान पान को भूल गए थे मगर आज तूने ये देसी खाना खिलाकर हमको गांव की मिट्टी याद दिला दी सदा खुश रहे अब बहुत बहुत धन्यवाद सासुमा वैसे भी जो मजा दाल चावल में है वो कहीं और कहा अरे हाँ तूने दाल चावल भी तो बनाए है डालना फिर ये लीजिए दाल चावल साथ में देसी घी डाल कर खाइए इससे स्वाद बढ़ जाएगा जहाँ एक तरफ बाकी के ससुराल वाले काफी ज्यादा खुशी से देसी बहू के बनाए दाल चावल पापड़ पकवान खा रहे थे तो वही ननद चेतन सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर देख रही थी अरे चेतना बेटी तू क्यों नहीं खा रही बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी भाभी ने इतना तेल घी वाला खाना खाकर मुझको अपना फैट नहीं बढ़ाना आप लोग तो ऐवी तारीफ कर करके चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो उस देसी भाभी को अरे अरे इतना काहे गर्मा थे जी पानी पी लीजिए और ठंडा हो जाइए हमको बता दीजिए आपको क्या खाना बना देते हैं रहने दो मेरी देसी भाभी मुझे जो खाना है वो आपसे नहीं बनेगा आप तो खिचड़ी पका दोगी मैं बना लूंगी माँ भैया मैं मंचूरियन और चाउमीन बनाने जा रही हूँ आप सब खाएंगे पर सबके सब देसी बहू के बनाए देसी खाना खाने में ही बिजी थे इसलिए कोई जवाब नहीं देता चेतना किचन में आती है फटाफट से ऊपर से सब्जी तोड़कर ले आती हूँ पर कटिंग करके बनाना शुरू करूंगी जैसे ही चेतना छत पर जाती है तो गार्डन उजड़ा देख गुस्से से लाल पीली होकर इमली से लड़ने लगती है अरे ओ मेरी माँ की जाहिल गवार देसी बहु तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या अरे क्या हो गया चेतना क्यों बेचारी बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ रही है माँ आपकी इस महान मूर्ख चंद बहू ने मेरे गार्डन का सत्या नाश कर दिया मैंने शिमला ब्रोकली सब उगाया था अब मैं बिना इन सब चीजों के कॉन्टिनेंटल फूड और फास्ट फूड कैसे बनाऊंगी अरे ननंद जी हमको तो लगा था वो जंगली गोभी थी और शिमला को तो पी लिया हो गया था हरे से पीला हो गया था पेड़ में लगे लगे इसलिए हम फेंक दिए थे इमली तुम चुप हो जाओ और चेतना तू नाराज मत हो मैं मार्केट से ला देता हूँ सब्जी बहू बेटी के बीच में खटपट देख कर पदमा कहती है चेतना बेटी तू हाई पर मत हो मैं तेरे भाई से बोलकर मंगवा देती हूँ सब्जी मोहित सब्जी ला दे देता है चेतना चाइनीज फूड बनाकर टेबल पर खाने बैठ जाती है इट्स सो डिलीशियस अब तो मैं मजे से अपना चाइनीज फूड इंजॉय करूंगी बस उसके साथ पेप्सी और मिल जाए चेतना फटाफट से पेप्सी ले आती है और मजे ले लेकर खाने लगती है तो वहीं बहू जब रसोई में जाती है तो पूरा कबाड़ा मचा होता है हे भगवान नंद जी ने तो जितने का मॉडर्न खाना नहीं बनाया गंदा और मचा दिया चली मलिया हो जा शुरू बेचारी बहू बिना किसी शिकायत के पूरा किचन साफ करके बर्तन धो देती है जिससे सास खुश होकर बोलती है मेरे तो धन्य भाग है इमली बहू जो तुझ जितनी फुर्तीली बहु पाई है मैंने देखो तो तेरे रहते रसोई एकदम दूध जैसे चमक धमक रही है ये बातें चेतना सुन लेती और जल कोयला हो जाती है इस गवार देसी भाभी को आए एक दिन नहीं हुआ माँ तो इसी के गुड़गान गा रही है अब देखो चेतना का दाव अब चेतना इमली की शराबत का फायदा उठाने लगती है और कुछ ना कुछ मॉडर्न खाना बनाकर कभी गैस चूल्हा बुरी तरह गंदा कर देती है तो कभी खूब सारे बर्तन कर देती है पर वक्त के साथ इमली इतने काम काज से तंग आ जाती है फिर एक दिन रात के टाइम असासुमा ससुर जी रात के खाने में क्या बना दे बता दीजिए बहू हमसे क्या पूछ रही हो जो दिल करे बना लो ठीक है ससुर जी हम बाजार होके आते हैं इमली थैला उठाकर बाजार आती और साग सब्जी खरीद कर लाती है अरे वाह आज तो बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए आज हम सबके लिए सरसों का साग मक्के की रोटी बनाएंगे घी का तड़का मारकर जैसे ही वो रसोई में आती है तो ननद फास्ट फूड बना रही होती है ला ला ला, 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 ला। बन गया मेरा डिलीशियस बर्गर एंड फिंगर तभी भड़कते हुए इमली बोलती है अरे ओ मेरी मॉडर्न नंद जी ऐसी मरती के जैसे ठुमक ठुमक कर कहाँ चली ये जो रसोई में रायता फैलाई इसे कौन साफ करेगा इसके लिए तुम हो ना मेरी देसी भाभी चेतना इमली को चढ़ाकर कर चली जाती है तो बहु बोलती है लगता है इस मॉडर्न टेढ़ी ननद को सीधा करना पड़ेगा जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बहू जल्दी से चूल्हे पर सरसों का साग मक्के की रोटी बनाकर सभी को खिलाती है तो सब भर भर कर तारीफ करते हैं अरे वाह वाह बहू एकदम गजब का साग बना है वही सरसों के साग में तो मजा आ गया, हमें तो उंगली चाटता रह गया सच में बहू तेरी तारीफ में क्या ही बोलूं एक से बढ़कर एक देसी खाना बनाती है तू चेतना तू भी अपनी भाभी से कुछ सीख ले ससुराल जाएगी तो वहाँ ये फास्ट फूड और निपालियों वाला खाना नहीं खाएंगे माँ आज के टाइम में सभी मॉडर्न खाना ही खाते हैं आपकी देसी बहू की तरह बोरिंग दाल चावल कोई नहीं खाता है ये सुनकर इमली और पिनक जाती है और रसोई फैली हुई छोड़कर सोने चली जाती है कच्चा पक्का घास फूस बनाकर मॉडर्न खाने का नाम देने से थोड़ी हो जाता है खाना तो वो हो होता है जिससे शरीर को ताकत मिले जैसे कि देसी खाना देखती हूँ ये हेरोइनी कल कैसे बनाती मॉडर्न खाना कल तो उसे बर्तन मांझने पड़ेंगे अगले दिन चेतना किचन में सारे बर्तन गंदे पड़े देखती है वो गॉड आज तो मैंने पास्ता बनाने का सोचा था बर्तन तो एक भी धुले नहीं है खुद धो लेती हूँ अरे ओ मेरी देसी भाभी कमरे में बैठ कर क्या अंडे दे रही हो किचन में एक बर्तन धुला हुआ नहीं है चलकर मुझे बर्तन धोकर दो, दो तुमको ऑर्डर झाड़ने के सिवा कुछ नहीं आता जाकर खुद धो लो बर्तन हम ने पॉलिश लगाए हैं पैर पटकते हुए चेतना किचन में आकर बर्तन धोती है तो उसका नाखून टूट जाता है मेरा ना खून कितने मुश्किल से लंबे किए थे किसी तरह बेटी अपने लायक खाना बनाकर फैली रसोई छोड़कर कमरे के अंदर घुस जाती है देखते देखते पूरा दिन गुजर जाता है तो दुखी होकर सास बर्तन मांजती है तो चकरा कर गिर जाती है दोनों दौड़ कर आती हैं। हाय दैया सास सुची क्या हुआ आपको अरे डॉक्टर को फोन लगाओ जी थोड़ी देर में डॉक्टर आकर टेस्ट करके बताते हैं देखिए पूरे दिन कुछ न कुछ खाने पीने की वजह से माता जी का बीपी और शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था इसलिए चक्कर आ गए वैसे इस घर में दो दो बहु, बेटी के रहते आप दोनों ध्यान नहीं देती, क्या इन पर दोनों पर दोनों अपनी हरकत शर्मिंदा हो जाती हैं तभी होश में आ जाती है अम्मा जी हमको माफ कर दो अगर हमने टाइम से सारा काम कर दिया होता और आपके लिए खाना बना कर दे दिया होता तो आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती ना हमको ना ननद जी को देखा देखी नहीं करनी चाहिए थी इट इज माई मिस्टेक भेरी भेरी सारी भाभी गलती तो मेरी है मुझे माफी मांगनी चाहिए मैंने आपका काम बढ़ाया परेशान किया लेकिन अब हम साथ साथ में काम करेंगे माँ चलो देर से ही तुम दोनों को अकल तो आई सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते अब चलो मुझे कुछ बना कर खिला दो और अंत में दोनों ननद भाभी साथ में मिलकर सबके लिए दोनों तरह का खाना बनाती हैं विल प्यारे दर्शकों आपको किस टाइप का खाना ज्यादा पसंद है चाइनीज फास्ट फूड या घर का खाना कमेंट में जरूर बताए